कई बार लोगों को लगता है कि मंदिर जाना तो रेस्टोरेंट जाने जैसा ही है। जैसे रेस्टोरेंट में गए और ऑर्डर दिया, पिज्ज़ा लाओ, पास्ता लाओ, समोसा लाओ, मसाला डोसा लाओ, कोका कोला लाओ, थम्स अप लाओ। अरे भैया, मंदिर में अगर जा रहे हो तो भगवान जो खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखकर ये मत सोचो कि रेस्टोरेंट का वेटर खड़ा है। धन लाओ, नौकरी लाओ, छोकरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अरे भैया, ये भगवान हैं जो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और हम दास के रूप में जा रहे हैं उनके सामने निवेदन करने, हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को निमित्त बनाकर ये सिद्ध किया कि मंदिर इसलिए नहीं बने हैं कि हम जाकर भगवान को ऑर्डर दे के आए कि आप मेरे जीवन में फलाना फलाना कीजिए, मेरे जीवन में केवल संपत्ति लाइए। तो इसलिए आज जो भारत में लगभग 20 लाख मंदिरों में श्रद्धालु जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम उन श्रद्धालुओं को चेतावनी देते हैं कि इन दो मनोभाव को लेकर मंदिर में न जाएं। क्या? कि हे भगवान, आप हमारे संपत्ति को बढ़ाइए और विपत्ति को घटाइए। इंक्रीज माय प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्रीज माय एडवर्सिटी, दीज सीम टू बी द टू मेन क्वेश्चंस एंड प्रेयर्स इन पीपल्स माइंड व्हेन दे गो टू अ टेंपल। लोगों के मन में ये दो मुख्य प्रार्थनाएं होती हैं, संपत्ति बढ़ाओ, विपत्ति घटाओ। लेकिन गीता में भगवान बता रहे हैं, अगर आप भगवान के मंदिर में जाओ तो ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु हमारी संपत्ति बढ़ाओ, विपत्ति घटाओ। आप ये प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे सेवा का अवसर दो और आप मेरे सेवाओं से संतुष्ट हो जाओ। हाउ कैन आई सर्व यू एंड हाउ कैन आई प्लीज यू। तो मंदिर इसलिए बने हैं, और गीता ये बताती है कि चाहे कोई बड़े से बड़ा शुद्ध भक्त क्यों न हो, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जैसे वसुदेव और देवकी, या पंच पांडव, या प्रहलाद महाराज, या जितने भी भक्तों का नाम ले लो जिनको साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत को मैंने इस तरह बनाया है कि आदि दैविक ब्रह्मांड से दुख, आदि भौतिक दूसरे जीवों से संताप और दुख, और आध्यात्मिक अपने ही मन और इंद्रियों से उत्पन्न दुख अनिवार्य है। ये दुखाले अशाश्वत है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये दुख तो आना ही है। इसलिए मंदिरों में जाकर प्रार्थना कीजिए सेवा के लिए और भगवान को संतुष्ट करने की क्षमता के लिए।